लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता भाजपा का दामन थाम रहे हैं। लगातार कांग्रेस से जाने वालों की संख्या बढ़ता देख संगठन ने एक डैमेज कंट्रोल कमेटी बनाई है ताकि नाराज कांग्रेसियों को साधा जा सके और भाजपा में जाने से रोका जा सके। कमेटी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सफाई देते हुए कहा कि क्रिया की प्रतिक्रिया जरूरी है और यही कारण है कि समिति बनाकर लोगों से चर्चा भी की जा रही है और अब भाजपा में कोई जाने वाला भी नहीं है। उन्होंने लोकसभा में अधिकांश सीट छत्तीसगढ़ से जीतने की बात भी कही है। कोई भी नाराजगी नहीं है, सारे लोग अच्छे से काम कर रहे हैं और संगठित होकर काम कर रहे हैं और देखिएगा रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा कांग्रेस। कितना सीट की उम्मीद है सर? हम अधिकांश सीट जीतेंगे। आंकड़ा अब वो ज्योतिष बता सकते हैं भाई, लेकिन हम कहते हैं कि अधिकांश सीट जीतेंगे। अब ऐसा है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, अब वो लोग एक एक करके ले जा रहे हैं तो ठीक है भाई, हमने डैमेज कंट्रोल कमेटी एक बना दी, लेकिन अब देखिए अब कोई जा भी नहीं रहा है, बचा भी नहीं उन, मतलब ये है कि उनके पास कोई काम बचा नहीं है। अब स्थिति भारतीय जनता पार्टी की ये है कि उनके लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है, नहीं जाएंगे उसको क्या मिल जाएगा।